अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंपल ट्राउज़र कटिंग, विंटर की ट्राउज़र कटिंग लेके आए हैं जो कि कट करना बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये 2 तेम है। अच्छा, 2 लेयर हैं। जी हाँ, 2 लेयर में है। और पहले हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके क्रिस के सारे बल निकालेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। इसे कट करना भी, स्टिच करना भी। सिंपल ट्राउजर। एक पैंट ट्राउजर होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, मगर ये है सिंपल गोल पजामा। अच्छा, अगर हम इसे ज्यादा लॉन्ग कर देंगे तो वो चूड़ीदार पजामा हो जाएगा, मगर ये है शॉर्ट पजामा, कैजुअल यूज के लिए। तो ये हमारा प्रेस हो गया है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे इसको सीधा करने के लिए। एक निशान लगाया है हमने एक्स्ट्रा, यानी कि जो हमारा वेस्ट है। इसके बाद हम लगाएंगे 2 इंच पर प्लास्टिक का। इसके बाद इसे सीधा कर देंगे। तो जो फालतू कपड़ा है इसे कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं जी। हमारी लेंथ है, तैयार लेंथ है 37.5। ये आपकी जितनी हो आप उतनी रख सकते हैं। मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरह का गोल पजामा हो गया। ये भी हमने ही बनाया जी। थर्टी सेवन इसकी लेंथ है। इसका जो घेर है 17.5 है, जो कि बहुत रहता है। ज़्यादा करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। और ये इसका आसन है रुमाली 15.5। तैयार। और ये है इसका बॉटम 5.5। 5.5। इसी के मेजरमेंट पर हम ब्लैक वाला कट करेंगे। सही। इसे अलग से पट्टी लगाकर मोड़ेंगे क्योंकि लेंथ ज्यादा है और कपड़ा कम हो रहा है जी, इसलिए ना जी। यहाँ से हम इसका ऊपर कमर से 14 रखेंगे, ज्यादा घेर नहीं चाहिए। और इसकी वही आसन हम रखेंगे 15.5। इसका घेर 3 पे रखेंगे हम। और फिर इसे हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे, ऐसे इस चीज से मिला देंगे। वैसे 5.5 था, मगर हम यहाँ 6 रखेंगे।
ड्रॉ कर लें और फिर इसी तरह हम इसे कुलाई दे इससे मिला देंगे। पैटर्न वैसे तैयार हो गया है जी, और इसे डार्क कर देंगे। तो ये हमारा गोल पजामा पैटर्न रेडी है, अब हम इसे कट करेंगे। तकरीबन डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा जी, ये कपड़ा हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा ये निकला है इसे कनी की साइड से कट करके इसे हम पाइपिंग में यूज करेंगे, पाइपिंग में डिजाइनिंग में। ये जो कनी होती है इससे पाइपिंग कभी भी नहीं होती, हमेशा पाइपिंग ख़राब हो जाएगी क्योंकि कनी कहीं पर भी आप यूज़ करेंगे ये झोल पैदा करेगी। तो जब भी आप यूज़ करें कपड़ा तो कनी को जो है कट कर दें, फिर कपड़ा यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारा पैटर्न हो गया रेडी, कंप्लीट हुई कटिंग जी। अब हम इस पर यहाँ पर कट लगा देंगे जो हम पट्टी देके इसे मोड़ेंगे, और वही फिर गरारी की मदद से इस जो लाइन को है डार्क करेंगे हम। ये मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है, आई थिंक 20 रुपीज की होगी या 30 की होगी, मगर ये स्टिचिंग में बहुत मैन है, इसके बगैर सिलाई अधूरी है। काम बहुत ज़्यादा आती है। तो ये जब भी आप स्टिचिंग करने बैठें, कटिंग करने बैठें, तो इस चीज़ को लाजमी अपने साथ रखें। ये देखें, ये ड्रॉ हो गया, ये डार्क हो गया। ये आपको जो है बहुत आसानी से दूसरी तरफ का दिखाई देगा कि हमने कितने पे बंद करना है ट्राउज़र। लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरह हम पांचे पर भी इसे डार्क करेंगे, आसन पर। और ये नेफे पर भी। तो ये जी हमारा ट्राउजर हो गया है, गोल पजामा हो गया है रेडी, कटिंग हो गई है रेडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक फिर मिक्स की आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।